चुनाव की तारीखों का ऐलान शुरू होते ही अब समाजवादी पार्टी में अब सभी चाचा भतीजा एक मंच पर आने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। और खबर है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल एक साथ बैठक करेंगे। लगातार बराबर बने हुए हैं। भाजपा को देखिए, भाजपा ने भी जो है पूरी रैली, जन विश्वास रैली की, अखिलेश जी की यात्रा चल ही रही थी। आपको नहीं लगता कि मायावती ने अभी बोहनी भी नहीं की थी? देखिए, ये तो देखो, ये सही है कि हमने भी तो अपनी रथ यात्रा निकाली और करीब करीब बहुत से जिलों में गए भी हैं, जनता से मिले भी हैं, लेकिन बहुत से लोग तो बहुत से प्रत्याशियों को तो कोई जान भी नहीं पाएगा, शकल भी नहीं देख पाएगा और चुनाव तब तक आ जाएगा तो उनको फिर जनता के सामने न जनता जानेगी न प्रत्याशी को जानेंगे, तो कैसे इस तरीके से पॉलिटिकल सवाल की आएंगे। पॉलिटिकल सवाल की आप लोगों की अब जो है, चूंकि अखिलेश यादव जी से पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, अब क्या बैठकर रणनीति तैयार होगी कि आपके गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है और आप जैसा कि समाजवादी पार्टी के पूरे चाणक्य रहे हैं, बूथ से लेकर हर चीज का आपको नॉलेज है, तो आपके अनुभवों का क्या वो लोग भी लाभ लेंगे एक पार्टी के संगठन के तौर पे? देखिए, अब हमारे लिए वो पार्टी समाजवादी पार्टी नई नहीं है, हमने तो उसमें लंबे समय तक काम किया है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब परिचित हैं, सब जानने वाले हैं और पूरा प्रदेश का कई बार हम दौरा भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई बैठक होने वाली है आप लोगों की, सबकी, जो आपकी प्रोफेसर साहब की, नेताजी या अखिलेश जी की, इस तरह की प्रस्तावित कोई बैठक? अब देखिए, वो तो बातचीत तो होंगी, बैठकें भी होंगी, बातचीत भी होंगी, वो सब चलती रहेंगी। कितना शुभकामना देंगे अपने कार्यकर्ताओं को इस लेके, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना जो है वो आदमी को हंसता है और परिस्थितियां इस तरह की हैं कि इस समय कोविड महामारी से भी देश अछूता नहीं है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब चूंकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है, कुछ फैसला किया है, तो नहीं लगता कि अब उसकी तरह से जो भी होगी आप लोग अपना प्रस्ताव देंगे कि आप महामहिम राज्यपाल या को चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखेंगे? देखिए, आप पार्टी में अपनी बात रखेंगे, पार्टी जो भी बैठक करके फैसला लिया जाएगा जो भी होगा, लेकिन अब मुसीबत तो है ही, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अब जो मुश्किलों में तो चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन हैं दिक्कतें तो हैं, परेशानियां हैं, जो इस तरीके से डिजिटल है, कोरोना है, तो ये दिक्कतें आएंगी चुनाव के दौरान। अब सत्ता में जो लोग हैं उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, उन्हें आर्थिक भी दिक्कत नहीं है और उनके वार रूम बने ही हुए हैं, सब सुविधाएं हैं, आईटी सेल भी है उनकी, सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो नए दल हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें हैं, चुनौती है। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बता रहे हैं कि चूंकि अब परिस्थितियों से लड़ना है और लड़ना है, लेकिन इस समय जो है वो दिक्कतें हैं। जाहिर सी बात है कि जो छोटे दल हैं, जो अभी जनता के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म या उन लोगों ने वॉर रूम अभी नहीं बना रखे हैं, जनता के बीच में जाके अपनी बात कहते हैं, उनके लिए जो है इस तरह की चुनौतियाँ जो है कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो अभी आप सुन रहे थे कि हमारे संवाददाता अभिनव पांडे शिवपाल यादव से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान शिवपाल ने कहा कि बातचीत होगी, एक मंच पे आएंगे, बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और जब उनसे कहा गया कि आज कोई बात मुलाकात होगी, उन्होंने कहा नहीं, बात होगी, हालांकि आज उन्होंने क्लियर नहीं किया कि आज ही मुलाकात होगी, उन्होंने कहा कि आगे बात मुलाकात होगी। और समाजवादी पार्टी मेरे लिए कोई नई पार्टी नहीं है, एक एक लोगों से मेरा परिचय है और अगर सारी चीज़ें क्लियर होगी तो बेहतर तरीके से आगे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है उस पर भी उन्होंने बात रखी है कि थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, जो नए दल हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े दल हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपना वॉर रूम बना रखा है, आईटी सेल को तैयार कर रखा है, वो हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन जो नए दल हैं उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और चुनाव लड़ने में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो नए उम्मीदवार हैं अगर यही हाल रहे तो उनको तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा, उनका कोई चेहरा भी नहीं देख पाएगा, तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच चुनाव लड़ना है, शिवपाल सिंह यादव उसको लेकर तैयार हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी मुश्किलें आएंगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जहां तक
परिवार में एक बार फिर से बात मुलाकात की बात, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात होगी, मुलाकात होगी, सारी बातें रखी जाएंगी। तो इशारा वो बार बार करते रहे हैं कि भतीजे से सारी